फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की कंडीशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन ये है, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए और वन वेरिएबल फॉर्मेशन होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर हम चेक करते हैं एक्सेल 4.1 का पहला क्वेश्चन है, चेक बाय द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x minus 1, इसको बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई किया 2x ये आएगा माइनस 6। अब देखिए इस 2x से इक्वल x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ये 5 विद 6 इधर आएगा तो प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर प्लस 7। इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हम कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम x स्क्वायर माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 6, इसका मल्टीप्लाई माइनस का माइनस से प्लस ये आएगा 2x। अब देखिए आप यहाँ से ये इसको सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना चेक करना है इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 2 है कि वो है रिमेनिंग में रहेगी वो, तो हम कहेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या दिया गया है, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x स्क्वायर ये कितना होगा x ये माइनस 2x और ये आएगा माइनस के, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर इसका आएगा 3x और ये कितना आएगा माइनस x और माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर भी किसी भी क्वेश्चन फॉर्मेशन में हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो हम कह देंगे नो इट इज नॉट फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी एक्सरसाइज का, x माइनस 3 और उसके बाद है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x x प्लस 5, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये क्या आएगा 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा ये आएगा x, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x, इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 3, इसका यहाँ पर कर दूंगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए x स्क्वायर वाले टर्म 2x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, या इस इधर लाने के लिए माइनस होगा तो एक जब भी रहेगा इससे भी ले जाऊंगा फिर माइनस x स्क्वायर रहेगा, तो कहने का मतलब क्या है x स्क्वायर इसमें रहने रहेगा हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी, मैं क्या करूंगा यस इट इज इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें चेक करना तो देखो इसका मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई माइनस 6x इसका करना माइनस x आएगा प्लस 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इसका आएगा माइनस x या जाएगा प्लस 5x और 5 का करेंगे तो माइनस। देखिए आप इसमें हाईएस्ट पावर चेक कीजिए, डिजिट ऑफ चेक नहीं कर मैं कितने डिजिट है, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये 2x स्क्वायर है ये x स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर आप माइनस भी करेंगे तो एक बचेगा, इधर ले जाकर माइनस में तो एक बचेगा, ये प्लस भी होता तो 3 आता, हमें डिजिट से मतलब नहीं पावर से, तो एक्स स्क्वायर बच रहा है इसमें रिमेनिंग है तो हम कहेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक उसके बाद इसको चेक करिए देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के 4x एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करो तो ये नो नो इट इज नॉट फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर चेक करिए देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको आप फॉर्मूले से खोलेंगे एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस 2, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर टू ही रहनी है क्वेश्चन माइनस पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, इसकी हाईएस्ट माइनस के 4x स्क्वायर यहाँ से ये क्या है 6x स्क्वायर फिर भी x स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा तो हम क्या कहेंगे यस इट इज इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स क्यूब प्लस ये आएगा 8 प्लस 6x ब्रैकेट में x प्लस क्यूब इससे कर दूंगा तो ये क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ से देखो x क्यूब जाने वाला नहीं है 2 है और यहाँ 1 है माइनस करने पर एक x क्यूब बचेगा तो इट इज नॉट फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक।
क्वेश्चन।